नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और दिवाली का माहौल धनतेरस वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 यानी कि मंगलवार को है। धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं तारीख को मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी की खास पूजा की जाती है। चूंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का रिवाज है। सिर्फ बर्तन ही नहीं, और भी कई शुभ चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदने से शुभ मिलता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्तन किस धातु का है? यह काफी महत्व रखता है। कई चीजों को इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, जिन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए और कौन कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं। पहला, लोहे से बने सामान। धनतेरस पर बहुत से लोगों की पहली पसंद बर्तन खरीदना होता है। इस दिन बर्तन की दुकानों में भारी भीड़ लगी होती है। अगर ज्योतिषों की माने तो इस दिन लोहे से बने बर्तनों या कोई सामान को खरीदना शुभ नहीं होता है। लोहा शनि का कारक माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोहे से बने सामान लाने से धन कुबेर की कृपा नहीं बनती है। दूसरा, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन। आमतौर पर घरों में स्टील के बर्तनों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कई लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदते हैं। लेकिन आपको बताऊं, स्टील को शुद्ध नहीं माना जाता है, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। साथ ही एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव माना गया है, इसलिए एल्युमिनियम के साथ ही स्टील के बर्तन को खरीदने से बचे। तीसरा, नुकीले या धारदार सामान। धनतेरस पर नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या दूसरी धारदार चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन्हें खरीदना शुभ नहीं माना गया है। चौथा, प्लास्टिक के सामान। प्लास्टिक के सामान को बरकत नहीं लाने वाला माना जाता है, इसलिए इन्हें खरीदने से परहेज करें। पांचवा, चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन। चीनी मिट्टी यानी कि सेरेमिक और कांच के बने सामानों में स्थायित्व नहीं होता है। बोन चाइना के चीजें और कांच के सामान लंबे समय तक टिकने वाले नहीं होते हैं। कांच के सामान का सीधा संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस पूजा में इन्हें खरीदना अशुभ माना गया है। छठा, काले रंग की चीजें। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में पूजा पाठ में काले रंग के चीजों से परहेज किया जाता है, इसलिए बेहद शुभ दिन धनतेरस पर आप कोई भी काले रंग के सामान की खरीदारी से बचें। सातवां, मिलावटी सामान। धनतेरस के मौके पर बाजार से खुले तेल या घी जैसी चीजें खरीदने से पहले सावधान रहें। आजकल दिवाली से पहले ही इन जैसी चीजों में मिलावट करने की खबर आती रहती है और धनतेरस पर मिलावटी सामानों को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुद्ध माना जाता है। ऐसे मिलावटी तेल या फिर घी से दिए भी इस दिन नहीं जलाने चाहिए। अब आपको हम कुछ शुभ चीजों के बारे में बताते हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस पर करने से अत्यंत शुभ होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पहला, झाड़ू, जिसे इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। झाड़ू से साफ सफाई का काम होता है और यह घर में नकारात्मक चीजों को दूर करता है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है, इसलिए धनतेरस में झाड़ू लाने से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दूसरा, सोने चांदी के सामान। इस दिन इन्हें खरीदना शुभ माना गया है, इसलिए अपने धन को इधर उधर करने के बजाय इसे स्थायी करने के लिए सोने चांदी के सामान खरीदना शुभ माना गया है। जो लोग सोने चांदी नहीं खरीद सकते हैं, वे लोग धनतेरस पर पीतल से बने बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल को अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा था, इसलिए पीतल का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ कार्य है। तीसरा, धनिया, जिसे धनतेरस पर खरीदना बेहद शुभकारी होता है। इस दिन धनिया खरीदकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और इसमें से कुछ दाने को गमले में बो देना चाहिए, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो ये थी धनतेरस पर सामान खरीदने से जुड़ी जानकारियाँ। आप इस बार धनतेरस में इनमें से कौन सा सामान खरीदने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।